हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैंने लास्ट स्ट्रेटजी बनाई थी ये जुलाई मंथ का, वो है रिलायंस का स्ट्रेटजी। वो काफ़ी बढ़िया स्ट्रेटजी वो भी है। उसमें मैंने आई एन फ्लाई भी यूज़ किया है और बटरफ्लाई दोनों कॉम्बिनेशन किया है, जिसमें अल्टीमेटली क्या होता है कि आपको रिस्क लेवल जो होता है वो एकदम नॉमिनल होना चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी का चांसेस ज़्यादा होता है उसमें। पर उसमें मैं आपको वो भी बोल रहा हूँ कि जब आप कोई भी चीज़ लेते हो तो अल्टीमेटली आपको बायर और सेलर का जो डिफरेंस रहता है वो देख के प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है, तभी आपका एक राइट एग्जीक्यूशन में जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक नई स्ट्रेटजी जुलाई मंथ की बनाई है, जिसमें आपको ये जो मैक्स प्रॉफिट दिख रहा है वो करीबन 65,700 दिख रहा है। ठीक है, ये अगर पॉइंट अगर आप देखोगे ये करीबन 672 का मैंने थोड़ा सा रेंज लंबा लिया है। अगर आप देखोगे तो 426 से लेके 514 तक, मतलब ऑलमोस्ट 20% के करीबन मैंने SBI का अपर ट्रेंड रखा है। ठीक है, और उसमें मैक्सिमम लॉस जो दिखा रहा है ना वो 22,000 का दिखा रहा है, 22,800। उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक्चुअली करना क्या है, 410 का कॉल ऑप्शन आपको लेना है, 470 के दो सेल करना है जुलाई का, और 520 का बाई करना है हेज करने के लिए। साथ ही साथ आप ये ऑब्जर्व करना कि उसमें बायर और सेलर का डिफरेंस कितना है। जब भी डिफरेंस एकदम हाई हो जाता है तो आपकी ये रिस्क जो रहती है वो थोड़ा सा डिफरेंस हाई आ जाती है, तो आप एग्जीक्यूट जब करते हो तो ये इंश्योर डैट कि आप इम्प्लीमेंट जब करेंगे तो ये डिफरेंस बराबर से देख के आप इम्प्लीमेंट करना मत करना। ठीक है, तो ये पहला स्ट्रेटजी जो है ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप, जिसमें मैंने जो कैपिंग रखी है SBI में वो है 20% अपर साइड। ठीक है, उसके ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पे देखिए मैंने रिस्क जो रखा है अपर ट्रेंड में कम रखा है। ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स मुझे नहीं लगता ये 500 के ऊपर जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, अनलेस एंड अनटिल एकदम अच्छा न्यूज़ आ जाए। नहीं तो मुझे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है जुलाई तक, पर बोल नहीं सकते, मार्केट है, अगर कुछ अच्छा न्यूज़ आ जाए या कुछ रिलेटेड तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो आप जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रहता है वो आप ध्यान रख के ट्रेड करिए इसमें। तो मैं ये जो स्ट्रेटजी है, पहले तो ये कॉल स्ट्रेटजी है, 410 का बाई करना है, 470 के दो सेल करने हैं, 520 के बाई करना है। इसको आप प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई है, जिसमें इसको पुट स्ट्रेटजी आप बोलेंगे। आपको 435 का पुट ऑप्शन जो रहता है वो बाई करना है। ठीक है, और साइमल्टेनियसली आपको 405 का जो पुट है वो दो सेल करने हैं और 385 का एक बाई करना है प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मैंने ये जो कैपिंग रखी है ना यहाँ पे देखिए, इसका मैं को ऐसा मैंने एक अंदाज़ा पकड़ा है कि अगर एक एग्जांपल ले लो, अगर ये अंदर बंद होता है तो आपकी रिस्क लेवल अगर इसके अंदर होता है या बीच में होता है तो आपकी जो वहाँ पे लॉस हो रही है कहीं ना कहीं कवर कर लेगी। ठीक है, देखिए हर एक चीज़ में थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं रहता है। अगर ये अल्टीमेटली नीचे गिरने लगा, नीचे का ट्रेंड अगर दिखेगा तो आपको पॉसिबिलिटी कम पैसा जाएगा पर ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ इसकी यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी का मकसद क्या है कि ये 425 तक ये नीचे जब जाएगा तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, और 426 से मैंने वो स्ट्रेटेजी बनाई है 514 तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए अगर ये यहाँ पे आके बंद होता है, ओके 35 पे, तभी आपका ये जो लॉस है वो इम्प्लीमेंट होगा 11,000 के करीब। तब तक आप वहाँ पे जब पहुँचोगे तो ऑलरेडी यू वुड हैव मेड ऑलमोस्ट अराउंड 22,000-25,000, क्योंकि वो जब वो उसका रेंज करीबन 32-35 तक दिखेगा। तो अल्टीमेटली आपको स्मार्ट वे में ट्रेडिंग करना है, इसमें मार्जिन आपको 43,000 ही यूज़ होगा। 435 का कॉल ऑप्शन आपको एक बाई करना है, 405 के दो शॉर्ट करने हैं, 385 का एक बाई करना है। तो आपको दोनों स्ट्रेटेजी साइमल्टेनियसली इम्प्लीमेंट करना है प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको मार्जिन मैक्स टू मैक्स इसमें 1 लाख जाएगी, पर एक्सचेंज जब भी आपको सेल करना है तो कभी भी आप ध्यान रखना कि आप जब पैसा डालते हो तो पैसा पैसा आप डाल देना, उसी के बाद थोड़ा सा स्प्रेड में रखना, क्योंकि जब आप सेल करते हो तो मार्जिन लिमिट चाहिए। ठीक है, तो सेल होने के बाद आपको अगर पैसा चाहिए तो आप निकाल सकते हैं, एम टू एम के लिए थोड़ा सा छोड़ सकते हैं। ओके, तो ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो गाइस, पर
risk and reward in place and ensure that whoever he is doing this is for an educational purpose. इसमें कोई एग्रेसिव ट्रेडिंग करने के लिए मैं कोई गाइडेंस इसमें नहीं दे रहा हूँ. ये मेरा मकसद है कि जो एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए है और जो स्मार्ट वे से पैसा बना सकते हैं. ठीक है, काफ़ी स्ट्रेटजी मैंने लास्ट मंथ में प्रॉफिट बुक की है. रिलायंस की स्ट्रेटजी मैंने इम्प्लीमेंट की है, जो मैंने अपलोड किया है उसमें भी मुझे डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है डिस्पाइट वो वॉलेटाइल है. एंड आप ये प्रॉबली आप इसमें चांस ले सकते हैं SBI में, क्योंकि SBI अभी एक महीने से काफ़ी परफॉर्म नहीं किया, ऊपर गया फिर नीचे गया, 440 का हाई मारा फिर वापस नीचे आ गया. तो अल्टीमेटली आपको अगर लेवल चाहिए, अगर 460 तक भी अगर ये चला जाता है, जैसे कुछ अच्छा न्यूज़ आ जाए, तो प्रॉबली आपको बहुत अच्छा पैसा ये स्ट्रेटजी दे सकता है. पर एंश्योर डैट कि जब भी आप ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस आप फॉलो करिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड इन प्लेस होना चाहिए और एग्रेसिव आप ट्रेडिंग मत करना. थैंक यू सो मच गाइज़.